नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं इराक से रिलेटेड। जी हाँ साथियों भाई, इराक का नया अपडेट है, न्यू अपडेट है। शायद ऐसा अपडेट आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा, देखने को भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्या वहाँ की सरकार ने क्या बोला है वहाँ के लोगों के लिए कि अगर आप शादी करते हो दूसरी तो हम आपको 10 मिलियन दिनार, जी हाँ साथियों, 10 मिलियन दिनार देंगे, इराकी कर्जा दिया जाएगा जिससे आप अपना गुजर बसर कर सकते हो। क्या है पूरा मामला, डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखें ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं बता दूं साथियों, वहाँ इराक की सरकार ने एक घोषणा की है कि अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो हम आपको 10 मिलियन इराकी दिनार, जी हाँ 10 मिलियन इराकी दिनार आपको कर्ज के तौर पे देंगे। वहाँ की बैंक ने ये बात बोली है। जी हाँ, अब क्या माजरा है, क्यों देना चाहते हैं भाई? देखिए, आपको पता है इराक की स्थिति क्या है, सबको पता है वहाँ पे रोज़ बम ब्लास्ट, यानी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। 2018 के करीब 47% रोज़गार था, जो अब घट के और माइनस हो रहा है। यानी वहाँ पे बेरोज़गारी इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है कि वहाँ पे काम नहीं मिलता लोगों को, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? एक परिवार को ही चलाना मुश्किल हो जाता है तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? आपको पता है सबसे ज़्यादा आतंकवादी शिया सुन्नी की लड़ाई वहीं चलती है, सबको पता ही है। सबसे ज़्यादा जितने भी संगठन बने हैं, ये बगदादी, ये अलहूक वगैरह वगैरह, जो सबके सब वहीं पे बने, इस्लामिक स्टेट वगैरह, काले झंडे वाले, जो आपने देखा होगा कितनी सीरिया वगैरह की फिल्म बनी है, वो सब वहीं बनती है। इराक का ही तो मैटर चल रहा है ना ये, ऐसा वहाँ पे क्यों हो रहा है? आपको पता है कि इस माहौल में क्या आपको लगता है कि एक शादी करके कोई परिवार वहाँ के बसा के वो बच जाएगा? इतना संभव नहीं है। वहाँ के लोगों ने फिर क्या किया कि जो यंग जनरेशन है, वो कुछ लोग तो ये इतनी रोज लड़ाई झगड़े होना, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आँख नहीं वगैरह वगैरह, तो कुछ लोग तो उसमें काबिल ही नहीं रहे कि वो शादी कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़बरदस्ती अपने देश से निकल के दूसरे देश की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कुवैत ने उनको बैन कर रखा है कि भाई इधर नहीं आने चाहिए, और भी बहुत सारी। वो तो फिर ये सोचते हैं कि हम दूसरी कंट्री में चले जाएं ताकि इस मौत से निजात मिल जाए। तो जो शादी योग्य लड़के हैं वो उस देश में टिकना नहीं चाहते, बेरोज़गारी भयंकर पड़ी है, लड़ाई भयंकर पड़ी है, मकान सबके टूटे हुए हैं, कहाँ रहेंगे वो? भूखमरी इतनी भयंकर बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार, सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है वहाँ पे। आपने आप विकिपीडिया उठा के देखिए, कहीं पर भी न्यूज़, ये न्यूज़ मेरे पास आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ आंकड़े। जी हाँ, सब कुछ भ्रष्टाचारी की, शिया सुन्नी की लड़ाई वगैरह वगैरह। तो वहाँ की स्थिति ये हो चुकी है इराक की कि वहाँ पे लड़कियाँ तो हो रही हैं ज़्यादा, लड़के शादी वाले बहुत कम रह गए हैं, और जो हैं वो उनके काबिल नहीं, या उनके कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ है वहाँ के रसायन की वजह से हो गया, पता नहीं, समझ में नहीं आया। बाकी कुछ हैं वो इराक को छोड़ के दूसरे देशों में जाने की सोच रहे हैं, या जा रहे हैं, भाग रहे हैं इराक को छोड़ के। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की औरतें, आपको पता है इस्लामिक कंट्री है तो वो तो घर छोड़ के नहीं जा सकती ना, तो वहाँ पे लड़कियों की आधा इतनी भयंकर बढ़ रही है। 70% लड़कियाँ वहाँ ऐसी हैं जो जिनकी कुंवारी बैठी हैं। वो कुंवारी का क्या मतलब है, वहाँ पे 35 ईयर्स के अबव जो ऊपर होता है उसको वहाँ पे कुंवारी बोला जाता है। 35 साल से ऊपर की लड़कियाँ बहुत सारी हैं जिनको शादी योग्य वर नहीं मिल रहे हैं, लड़के नहीं मिल रहे हैं, शादी किससे हो? तो वहाँ की जो बैंक है, ये जो न्यूज़ है भाई मैं खुद नहीं बता रहा हूँ आपको, ये न्यूज़ है बाकायदा सबक वेबसाइट है, उसके तहत मैं आपको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आरूफ बैंक रसीद ने ये बयान जारी करके कहा है। जी हाँ साथियों, वो बैंक ने बोला है कि भाई अगर कोई दूसरी शादी करता है तो हम 10 मिलियन इराकी दिनार उनको देंगे, लेकिन उसकी शर्त ये होनी चाहिए पहले शादीशुदा होना चाहिए, दूसरी शादी करने पे मिलेगा यह पूरा कर्ज, ठीक है, और वो बंदा पहले से उस बैंक का मुलाजिम हो, यानी कर्जाइत कर्जा पहले से ले रखा, उसी को हम दूसरी बार कर्जा देंगे। यानी ये उनको दिया गया कि भाई एक आदमी है वो दूसरी शादी करे तो हम आपको ये पैसा कर्ज के तौर पे दे देंगे ताकि आप अपना इसमें गुजारा कर सको। ये स्थिति क्यों आ रही है भाई? लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। आप गूगल करें, सब जगह आपको ये जानकारी मिल सकती है। तो ये स्थिति भाई इराक की है, तो बड़ा ख़राब सा माहौल है वहाँ पे। बस जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो बना दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ अच्छे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।